बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यू लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 द माउंटेन एंड द स्क्वायर को चैप्टर उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 द फर्स्ट स्ट्रॉ। चैप्टर नंबर 12 है हमारा द फर्स्ट स्ट्रॉ। इसका जो हमारे मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, ये एक स्टोरी है मंकी के अबाउट। इस चैप्टर में हम एक मंकी की स्टोरी पढ़ेंगे और ये जो होता है, इसमें बताया गया है या हमें लेसन दिया गया है कि मंकी जो होता है वो किस तरह का एनिमल है। तो हम ऑलरेडी कुछ वजह जानते होंगे कि मंकी जो है ये एक क्लेवर और इंटरेस्टिंग एनिमल है, दिलचस्प जानवर है। इसमें मज़ीद हम थोड़ी सी समरी इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एक लेसन तो ये दिया गया है कि मंकी जो है ये एक इंटरेस्टिंग और क्लेवर एनिमल है। उसके बाद जो इसमें बात बताई गई है वो ये है कि हमें अपने बड़ों की बात पर अमल करना चाहिए। उसमें इसमें लेसन में या स्टोरी में जो है कुछ मंकीज हैं, उनका एक सर बड़ा है जो कि एक यानी कि उनका बूढ़ा मंकी है, वो सब उसकी बात मानते थे। वो जो था एक समझदार मंकी था, एज में भी उनसे ज़्यादा था। तो क्योंकि एज में बड़ा होने की वजह से उसका ज़िंदगी का तजर्बा जो था वो एक ज़्यादा था उनसे, तो वो उसकी बात पर अमल करते थे, उसकी पैरवी करते थे। तो वो एक जंगल पे, एक मंकी रहती है जंगल में, तो वो एक झील के किनारे पानी पीने जाते हैं। जब वो पानी पीने जाते हैं तो बाकी मंकी जो हैं वो वेट में खड़े हो जाते हैं कि हमारा जो बड़ा समझदार या क्लेवर मंकी है वो आएगा, वो हमें बताएगा, कहेगा तो हम इस पर पानी पियेंगे, अदरवाइज हम पानी नहीं पियेंगे। तो वो आता है, झील का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के बाद वो उनसे कहता है कि यहाँ पे कुछ जानवर पानी पीने के लिए जाता तो है लेकिन वो वापस नहीं आता, उसके पाँव के निशान बता रहे हैं। वो पानी पीने के लिए चले तो जाते हैं झील के अंदर लेकिन उनके वापसी के निशान नहीं है, तो लाजमी यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उतनी देर में वहाँ से एक जिन जो होता है झील से रोनमा होता है, बाहर आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग किस चीज़ की जो है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, पानी क्यों नहीं पीते। तो वो उससे पूछता है कि यकीनन अगर हम यहाँ से पानी पियेंगे तो आप हमें खा जाएंगे, अगर हम पानी, वो कहता है कि आप लोग पानी नहीं पियोगे तो प्यास से मर जाओगे, तो लाजमी है कि आप लोगों को पानी पीना पड़ेगा। अब जो क्लेवर मंकी होता है वो क्या करता है कि एक तरकीब सोचता है और वो एक लकड़ी जो होती है उस झील के किनारे उगी होती है, एक नली टाइप होती है, वो वहाँ से उसको उठाता है और दूर से खड़े होके क्या करता है, उस पानी के एक सिरा उसके अपनी तरफ रखता है और एक सिरा उसका क्या होता है लकड़ी का झील में डुबो देता है। फिर वो उसके ज़रिए पानी को सक करते हैं। तो इस तरह जो है वो सारे के सारे मंकी जितने भी होते हैं वो पानी भी पी लेते हैं और अपनी रूटीन से ज़्यादा पानी पी लेते हैं और उनकी प्यास बुझ जाती है, जिस पे जिन जो है वो खौफ़ गुस्से होता है उनसे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, ये लेसन हमें मिलता है कि हमें जो है अपने बड़ों की बात पे अमल करना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनकी हर बात में कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर वो मंकी जो है अपने उस बड़े या क्लेवर मंकी का इंतज़ार ना करते, उसकी बात पर अमल ना करते, तो वो भी उस दिन अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये थी इसकी एक ब्रीफ सी समरी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसके, जो कि हम बोर्ड पे लिखेंगे। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी राइट अप करने हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के। ये जो हैं ये वर्ड्स मीनिंग आप लोगों के चैप्टर में से हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स।
ये एज सिर्फ आप लोगों ने अपनी नोटबुक से इनको लिखना है और रिवाइज करना है। फर्स्ट वन इज वाइज, वाइज वाइज मीन समझदार। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज क्लेवर, क्लेवर मीन चालाक। फियर्स, फियर्स मीन खतरनाक। नेक्स्ट इज जेंट, जेंट मीन देव या जिन, देव भी एक जिन को कहते हैं, बड़े सारे जिन को। नेक्स्ट इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन अजीब। नेक्स्ट इज लेट, लेक मीन झील। Quiet, quiet means खामोश होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग हम साकिन ठहरा हुआ भी ले सकते हैं। Marks of feet mean कदमों के निशान। नेक्स्ट इज रोड, रोड मीन धारणा, जैसे लाइन्स वगैरह जो होते हैं या वो जैसे धारते हैं उनकी आवाज़ होती है, उसको धारणा कहते हैं। नेक्स्ट इज रीड, रीड मीन
रीड मीन्स सरकंडा या एक लंबी लकड़ी को भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो है ये हम सिंक का भी होता है इसका मतलब। या भूसा भी होता है घास का जो होता है। ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर नंबर 12 द फर्स्ट स्ट्रॉ। दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। वाइज, वाइज मीन समझदार। क्लेवर, क्लेवर मीन चालाक। फियर, फियर्स मीन खतरनाक। जेंट, जेंट मीन देव या जिन। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन अजीब। लेक मीन झील। क्वाइट मीन खामोश होता है, लेकिन यहाँ पे हम साकिन भी ले सकते हैं इसका मतलब। मार्क्स ऑफ फीट मीन कदमों के निशान। रोड धारणा। एंड रीड मीन सरकंडा या लंबी लकड़ी को हम कहते हैं। एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉ, इसका मतलब है तिनका या भूसा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। नेक्स्ट हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 द फर्स्ट स्ट्रॉ, पेज नंबर 81 बाय नैन्सी डिरोइन। इस चैप्टर के राइटर हैं। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट मंकी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग बट क्लेवर एनिमल। एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। वंस देयर लिव्ड अ वाइज मंकी। एक दफ़ा एक समझदार मंकी, कहते हैं बंदर को, कहीं एक समझदार बंदर रहता था। He was very clever. Clever means चालाक। वो बहुत चालाक था। The other monkeys always listened to him. दूसरे बंदर हमेशा उसकी बात सुनते थे। My friends, मेरे प्यारे दोस्तों, he would say, वो कहता रहता। This forest, ये जंगल, is not a safe place. Safe means महफूज। Is not a safe place, एक महफूज जगह नहीं है। Fierce giants live here. Fierce means खतरनाक, giants means जिन, खतरनाक जिन यहाँ पे रहते हैं। Remember, याद रखो। Do not eat any strange food. कोई भी अजीबोगरीब चीज़ मत खाना। Do not drink. मत पीना, नहीं पीना, एनी स्ट्रेंज वाटर, कोई भी अजीबोगरीब पानी। आस्क मी फर्स्ट, पहले मुझसे पूछना। तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये एक स्टोरी है मंकी की। वन डे, एक दिन, द मंकीज केम टू अ लेक, बंदर एक झील की तरफ गए। दैट दे डिड नॉट नो, वो उसको नहीं जानते थे। इट्स वाटर वॉज क्लियर एंड क्वाइट, उसका जो पानी था वो बहुत ही साफ सुथरा। एंड क्वाइट साकिन मीन्स के ठहरा हुआ था, खड़ा हुआ था, खामोश था। एंड और दे हैड कम अ लॉन्ग वे, और वो बहुत दूर तक निकल गए। बट द मंकी स्टॉप, लेकिन वो बंदर रुक गए। दे डिड नॉट ड्रिंक, उन्होंने पानी नहीं पिया। They waited for their friend, वो अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगे। The wise monkey, समझदार बंदर, walked around the lake, झील के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। He saw a strange thing, उसने एक अजीब चीज़ देखी। Marks of feet went down to the
वाटर, कदमों के निशान पानी की तरफ जा रहे थे, बट लेकिन नो मार्क्स, कोई भी निशान, केन बैकअप, वापस नहीं आ रहा था। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि उसने झील के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। जब उसने चक्कर लगाया तो उसको एक चीज़ पता चली कि जो कदमों के निशान थे जानवरों के या एनिमल्स के या वहाँ पे जो बंदर रहते थे, उनके जाने के निशान तो मौजूद थे लेकिन वापस आने के जो निशान थे कदमों के, वो नहीं उसको नज़र आए। तो इसकी वजह से उसने क्या यहाँ से नतीजा क्या रिजल्ट निकाला, अ जेंट मस्ट बी लिविंग इन दिस लेक, एक जिन ज़रूर यहाँ पे इस झील में रहता है, ही सेड, उसने कहा, एंड और ही मस्ट बी ईटिंग, वो ज़रूर खाता है दोज उनको, हु वुड बी कमिंग टू ड्रिंक वाटर हेयर, जो यहाँ पे पानी पीने आते हैं। तो इस बात से उसने ये रिजल्ट निकाला कि यहाँ पे लाजमी बात है कि एक जिन रहता है जो क्या करता है, जो यहाँ पे पानी पीने आते हैं उनको वो खा जाता है। जस्ट देन अ जेंट रोज आउट ऑफ द वाटर, फिर अचानक ही एक जिन पानी से रोनमा हुआ, नमूदार हुआ या बाहर आया। वाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ही क्राइड, वो चिल्लाया, कम एंड ड्रिंक, आओ और पानी पियो। तो वो भी ये कह ही रहा था कि अचानक से एक जिन जो था वो पानी से नमूदार हुआ। उसने कहा कि तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आओ और पानी पियो। द वाइज मंकी आस्क्ड, वाइज मंकी जो चालाक मंकी उनका था, बंदर था, उसने कहा, पूछा, डू यू ईट दोज हु ड्रिंक हियर, क्या तुम उनको खा जाते हो जो यहाँ पे पानी पीते हैं। आई डू, मैं ऐसे करता हूँ, द जेंट रोड, जेंट ने धाड़ते हुए गरजते हुए कहा, एंड आई विल ईट ऑल ऑफ यू टू, और मैं आप सब को भी खा जाऊँगा। नो, नहीं, द वाइज मंकी सेड, अकलमंद या समझदार बंदर ने कहा, यू विल नॉट ईट अस, तुम हमें नहीं खा सकते या तुम हमें नहीं खाओगे, बट लेकिन यू मस्ट ड्रिंक, तुम लाजमी पानी पियोगे, द जेंट सेड, जिन ने कहा, इफ, अगर, यू डोंट, तुम लोग ऐसा नहीं करते, यू विल डाई, तुम मर जाओगे, वी विल ड्रिंक, हम लाजमी ज़रूर पानी पियेंगे, द वॉइस मंकी सेड, आंसर्ड, समझदार मंकी ने जवाब दिया या समझदार बंदर ने जवाब दिया, बट लेकिन, वी विल बी सेफ, लेकिन हम सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे या जिंदा रहेंगे। हाउ, कैसे, द जेंट आस्क, जिन ने पूछा। द वाइज मंकी डिड नॉट आंसर, समझदार बंदर ने कोई जवाब ना दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही पिक्ड अ लॉन्ग रीड, उसने एक लंबी सरकंडा नली या एक लंबी लकड़ी उठाई, दैट ग्रीव बाय द साइड ऑफ द लेक, जो के उस झील के किनारे पे उगी हुई थी, एक साइड से उगी हुई थी। ही पुट वन एंड, उसने एक सिरा ऑफ द रीड, उस लकड़ी, लंबी लकड़ी का या सरकंडे का, इन हिज माउथ, अपने मुंह में रखा। ही पुट द अदर एंड इन द लेक, और दूसरे सिरे को झील में रखा। देन, फिर, ही सर्व अप सम वाटर, फिर उसने कुछ पानी जो था वो अपनी तरफ खींचा, उसकी चुस्की लगाई, थ्रू द रील, उस नली के जरिए या लंबी लकड़ी या सरकंडे के जरिए। ऑल द मंकीज डिड द सेम, तमाम बंदरों ने यही किया। द जेंट वॉज वेरी एंग्री, जिनको बहुत गुस्सा आया। दिस इज द लास्ट ट्रॉ, ये आखिरी टेंका था या आखिरी नली थी। ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा, ओह नो, ओ नहीं, द वाइज मंकी सेड, समझदार या अकलमंद बंदर ने कहा, नॉट द लास्ट स्ट्रा, ये आखिरी टेंका नहीं, बल्कि दिस इज द फर्स्ट, ये पहला था। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की रीडिंग।
जिसमें हम लोगों ने ये लेसन सीखा या ये सबक हमें मिला कि हमें अपने बड़ों की बात पे उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, उनकी किसी न हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है और हमें उनकी कभी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर के साथ, आज के लेक्चर के साथ, इस चैप्टर की हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। आज के इस लेक्चर की का जो काम है आप लोगों का, इसमें ही आप लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग को रिवाइज करना है और ये जो वर्ड्स मीनिंग हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर राइट अप किए हैं ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।